मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी स्किन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। रोज की धूप धूल मिट्टी का बुरा असर हमारे स्किन पर पड़ता है और नतीजा ये होता है कि दिन ब दिन हमारी स्किन रूखी और बेजान होने लगती है। स्किन पर ये असर 30 की उम्र के बाद ज़्यादा पता लगते हैं। 30 की उम्र के बाद फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, ये सारी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ कुछ ऐसे टिप्स आजमाने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है जो आपकी स्किन जल्दी बूढ़ी नहीं होने देती और आप बढ़ती उम्र के साथ जवान नज़र आती हैं। तो चलिए जानते हैं 30 की उम्र के बाद भी आप अपना ख्याल किस तरह रख सकती हैं और किस तरह अपनी स्किन का ग्लो बरकरार रख सकती हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी धूप में निकलें तो SPF 30 वाला सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। इससे आपकी स्किन पर धूप की किरणों का कम असर होगा। बात करें अगर दूसरे ज़रूरी पॉइंट की, तो स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ नज़र ना आएं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप क्लिंजर का इस्तेमाल करें। बात करें अगर चौथे पॉइंट की, तो स्किन में चमक और नमी बनाए रखने के लिए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। बात करेंगे पांचवे पॉइंट की, स्किन को जवां और खूबसूरत बनाए रखने के लिए भरपूर आराम, भरपूर नींद भी बेहद ज़रूरी है। इससे चेहरा चमकदार बनता है। वहीं अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते तो आपके चेहरे पर थकान महसूस होती है और उम्र से पहले बुढ़ापा झलकता है। बात करेंगे छठे पॉइंट की, 30 की उम्र के बाद नियमित रूप से व्यायाम करने से भी स्किन पर अच्छा असर पड़ता है। बात करेंगे सातवें पॉइंट की, बढ़ती उम्र के साथ इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि मोटापे को आप बिल्कुल भी ना बढ़ने दें, क्योंकि मोटापे की वजह से थुलथुला शरीर ना ही सिर्फ आपकी पर्सनालिटी बिगाड़ देता है बल्कि आप उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। बात करेंगे आठवें पॉइंट की, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि नहाने से कम आधा घंटा पहले आधे चम्मच मलाई में एक चुटकी हल्दी और चार बूंद नींबू के मिलाकर अपने चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करें और इसके बाद देखिएगा कि आपके चेहरे पर किस तरह का गजब का निखार आता है। तो ये थी वो ज़रूरी बातें जो कि बढ़ती उम्र में आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन्हीं टिप्स के साथ दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।